कार्रवाई। सीबीआई ने सौंपी जांच रिपोर्ट, याचिकाकर्ता ने नीट में सिस्टमैटिक फ्रॉड पर लगाया आरोप, अगले हफ्ते तक टली सुनवाई। दिल्ली के बवाना में टूटी मुनक नहर, पूरा बवाना हुआ पानी पानी, बाढ़ जैसे हुए हालात। बवाना के साथ जेजे कॉलोनी में भी घुसा पानी। कठुआ में जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी की बैठक, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जंगल में उतरे पैरा कमांडो। आतंकी हमलों को रोकने के लिए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर आज कठुआ में होगा मंथन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दहशतगर्दों में पुलिस चौकी को घेरा, हुई गोलाबारी। कठुआ के बाद ये एक और आतंकी हमला। जेडीयू में शामिल होते ही मनीष वर्मा को नीतीश की पार्टी में मिला अहम पद, मनीष वर्मा को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय महासचिव। पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक जम्मू में मचा रहे आतंक, यूएस आर्मी के हथियार और चीन के सेलफोन का कर रहे इस्तेमाल, जांच में सामने आई जानकारी। मोदी पुतिन की रद्द हुई मीटिंग, क्रेमलिन ने सफाई देते हुए कहा दोनों के बीच कोई विवाद नहीं, समय कम पड़ने पर रद्द हुई वार्ता, विवाद की स्थिति से किया इनकार। बिहार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से हुई 21 की मौत, मौसम विभाग ने बिहार के कई जगहों में जारी किया रेड अलर्ट। स्मृति ईरानी ने 28 तुगलक क्रिसेंट रोड का बंगला किया खाली, लुटियंस जोन में बंगला खाली करने का मिला था नोटिस, चुनाव हारने वाले सभी सांसदों को 11 जुलाई तक आवास खाली करने का था आदेश। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे में दिल्ली यूपी बिहार समेत देश के 8 राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर दी जानकारी।